एवरीबडी, आप सभी हैं अभी एवरी डे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज अंडा करी बन रही है, तो चलिए बनाते हैं इसे। आज बहुत ही आसान और बहुत ही कम चीजों से अंडा करी बनाने जा रहे हैं। इसमें ले लिए हैं लहसुन, अदरक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और यहाँ एक प्याज को बारीक काट लिए हैं। यहाँ 5 अंडा उबाल लिए और 2 आलू को बॉईल करके काट लिए और 1 टमाटर है। अब आइए पहले इस अंडे को मसाला में लपेट लेते हैं, सभी अंडों को। इस तरफ तेल गरम होने दे दिए हैं। अब इसमें अंडा फ्राई कर लेते हैं, और इसे फ्राई करने के पहले इसमें चाकू से हल्का हल्का छेद कर दीजिएगा, ताकि अंडे जो है वो फटे नहीं। ये देखिए अंडा फ्राई हो गया, अब इसे निकाल लेते हैं। अंडा निकाल लिए हैं। अब इसी तेल में जीरा, 2 लौंग, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 1 इलायची, इलायची को तोड़ दिए हैं ताकि फटे नहीं, और 1 छोटा सा तेजपत्ता, 1 लाल मिर्च भी डाल दिए हैं, और 1 बारीक कटे हुए प्याज। अब इसे अच्छी तरह से भून लेना है। आज भून चुका है तो आप सबसे पहले इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो अंडा में लगाए थे वो बच गया था, उसको इसी में डाल देते हैं। अब डालेंगे इसमें कुछ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा और गोल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च, तीखी वाली मिर्च, और अभी इसमें कुछ भी नहीं डालना है। अब इसे भून लेते हैं। इसमें डाल देते हैं टमाटर, इसे मोटा मोटा ही काट लिए थे। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, ताकि टमाटर भी जल्दी से पक जाए। इसमें 1 चम्मच पानी डाले थे और 1 चम्मच के करीब डाल देते हैं, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं और अच्छा तरह भुन भी जाए। ये देखिए अब इसे ढक देते हैं। मसाला तैयार हो गया है। ये देखिए किनारे से तेल छोड़ रहा है और टमाटर भी अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें डाल देंगे आलू, जो बॉईल करके काट के रखे थे। इससे ग्रेवी और भी थिक हो जाएगी, आप कम तेल मसाला में भी बना सकते हैं इस सब्जी को। अब इसमें आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार पानी डाल दीजिए और 1 उबाल आने का वेट कीजिए। ग्रेवी में उबाल आ गया है तो अब यहाँ क्या करेंगे, कुछ आलू को तोड़ देंगे, जिससे कि ग्रेवी जो है वो और भी गाढ़ी हो जाएगी। यह देखिए इस तरह से कुछ आलूओं को तोड़ देंगे। कुछ आलू को मैश कर दिए हैं। अब यहाँ अंडा डाल दे रहे हैं फ्राई किए हुए, और 2 मिनट तक इसे ढककर पका लेते हैं। अंडा करी बनकर तैयार हो गया है। इसमें ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता डाल देते हैं।